ग्रहण और सबने कहा आमेन आइए पढ़ेंगे योहन की किताब नौ से पढ़ेंगे बारह नौ से बारह नौ बारह ट्वेल्व नाइन जॉन ट्वेल्व नाइन योहन की किताब बारह नौ हाई तो लो चीज़ ओके यहूदियों में से साधारण लोग जान गए बारा नौ से पढ़ रहे जब यहूदियों के भीड़ बड़ी भीड़ जान गई यहूदियों में से साधारण यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वह है और वे न केवल यीशु के, के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किए इस जगह पर हम देखते हैं हमने पिछले बार तक देखा लासर जिलाए गया और उसके कारण से सारे उस बेथनी उस जगह पर परमेश्वर की महिमा होने लगी यहूदी लोग अपनी यहूदी की जाति छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे भीड़ के भीड़ आने लगी किसी को बोलो इन दिनों में प्रभु के राज्य में भीड़ के भीड़ आने वाले भीड़ के भीड़। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वे ना केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी आया लासर को देखे जिसने उसने मरे हुए में से जिलाया था क्या अद्भुत चमत्कार है मुर्दा में से यीशु मसीह ने लासर को जिलाया हमारी मरा हुआ परिस्थिति में प्रभु हमें जीवन देता है हेलो हर अवस्था में प्रभु हमें जीवन देता है तो हमको क्या बनने का गवाह बनने का हमें क्यों प्रभु हमें चमत्कार देते क्यों हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत करते ताकि हम गवाही बने कितना लोग गवाही बनेंगे सिर्फ कलिशिया में नहीं आप जहाँ काम करते उधर गवाही बन गई आप कहा था परमेश्वर ने कहा से आपको उठा खड़ा किया परेशान थे बीमार थे कर्ज में हमारा प्रभु हर क्षेत्र में आपको विजय देता है हलो लोहिया इधर मरा वाहर जिंदा पाए अगर मरा वाहर जी उठा तो कितने अधिक प्रभु हमसे और आपसे प्रेम करते हैं वो हर रोज हमारी जीवन में चमत्कार देना चाहता है हलो लोहिया रईज कितना लोग चमत्कार पाएंगे और कितना लोग चमत्कार की गवाह बनेंगे जो से बोलो मैं चमत्कार हर रोज पाऊंगा और हर रोज मैं यीशु के लिए गवाह बने जब आप यीशु के लिए गवाह बनेगा क्या होते हैं लोग आपके विरुद्ध होते हैं ऐसा ऐसा होता है क्या है किसी को बोला यस सर ऐसे ही होता है क्योंकि प्रभु का वचन जैसा है वो इससे ही हमारे जीव इसलिए हमको वचन पढ़ने का अगर लासर के जीवन में हुआ तो मेरा भी जीवन में होगा खबन कोई चैट में लिखो लासर के जीवन में हुआ मौत की अवस्था में प्रभु जीवन दिया आपका भी मरा अवस्था को हटाकर प्रभु आपको जीवन देंगे और जब प्रभु आपको जीवन देता है आपको गवाह बनने का और जब गवाह बनते हैं आपका विरोधी बहुत होगा पर आपको घबराने का नहीं इधर लासर का भी बहुत से विरोध है लासर को भी मारने के लिए लोग तैयार क्या लिखा है देखो तब प्रधान याजकों ने लासर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी सत्य को जानने लगे हमें जब आप गवाह बनते बहुत से विरोधी होंगे पर आपको घबराने का नहीं आपको प्रभु के लिए खड़ा रहने का हम और आप डरपोक नहीं हेलो लोहिया जैसा लासर के जीवन में चमत्कार हुआ हर व्यक्ति जो आज हमें सुन रहे हैं आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करते हैं कई लोग कई चमत्कार को पाते हैं क्योंकि वो जब उसके जीवन में एक छोटा चमत्कार होता है वो सारी दुनिया को बताता है तो प्रभु उसे छप्पर फाड़ के चमत्कार देता किसी को बोलो प्रभु मुझे छप्पर फाड़ के चमत्कार देता कारण क्यों मैं गवाह बनता हूं मैं प्रभु को धन्य मैं गवाह बनता मतलब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रभु ने मेरे जीवन में किया ये ना संभव ना मुश्किल ना मुमकिन था मुश्किल था असंभव था पर यीशु मसीह ने मेरे जीवन में संभव किया मैं क्या करूंगा उसका गवाह बनूंगा मैं उसे सबको बताऊंगा दोस्त को रिश्ते अपनी कलिशिया में सारी जगह मैं गवाह बनूंगा कितना लोग बोलते हैं मैं गवाह बनूंगा क्योंकि प्रभु हर रोज मुझे बड़ी बड़ी चमत्कार करता है इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं हर रोज सुपर नेचुरल चलू कविता लाड लिखता मैं और सुनीता लाड गवाह बनूंगा सारी जगत में हमें दुनिया की छोर खाली इसराइल में नहीं खाली समरिया में नहीं खाली योदा में नहीं और दुनिया के छोर तक मैं गवाह बनूंगा प्रभु हमें सामर्थ देकर भेजेगा इसलिए मती अट्ठाईस में लिखा है स्वर्गर धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है तुम जाओ जाति के लोगों को मेरा छेला बनाओ उन्हें पिता पुत्र पवित्र के के नाम से दो और दुनिया अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूं हाथ उठा धन्यवाद आप मेरे साथ है तो कोई मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकता हम डरेंगे नहीं हम सबको बताएंगे हमें हालेलुया क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास प्रभु लोग बोलना चाहिए आपके द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हमारा काम एक ही है नरक को खाली करेंगे स्वर्ग को भरेंगे नरक को खाली करूंगा और स्वर्ग को भरूंगा एक ही आत्मिक उन्नति मैं आत्मा में हूं मैं आत्मिक हूँ कल बोलते हैं, मैं आत्मा हूं मेरा एक प्राण है मन भावना इच्छा मैं शरीर बोल के तैम नहीं मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मिक हूं मैं आत्मिक चीजों में आत्मिक चीजों में उत्साहित होता हूं हालेलुया क्या डाल लोग सुन रहे जब वो गवाह बना जब लोग लाजर को देखा जो मुर्दों में से जिलाया गया उसको मारने के लिए षड्यंत्र किया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओके अब आगे 12 वाज देखेंगे दूसरे दिन बहुत से लोगों ने दूसरे दिन बहुत से लोगों ने हाँ जो पर्व में आए थे जो पर्व में आए थे यह सुनकर यशु यरुशलेम में आता है येशु ये में आता है खजूर की येशू में आया अंडरलाइन करो यरूशलेम में आया यरुशलेम कौन सा है हमारा घर ये मेरे घर में आ गया कमान जोर से बोलो येशु मेरे घर में आए अगर येसु मेरे घर में आया तो मेरा घर में चमत्कार है मेरे घर में कोई कमी घटी नहीं अगर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा मुझे कोई घटी नहीं कितने अधिक जब यीशु हमारे साथ रहता है हमारे घर में रहते हैं हमें कोई घटी नहीं हुई हाँ यीशु यरूशलेम में आ रहा है यीशु यरूशलेम में आता है हाँ खजूर की डालियां ली हाँ पिछले और... संडे पाम पाम संडे थे सब हरा झंडा लेके वो क्या देखा था ये ये वाला सीन है किसी को बोले ये वाला सीन क्या लेकर खजूर की डालियां लिया हुआ खजूर की डालियां ली खजूर की डाली हरा पता नहीं खजूर का डालिया किसी को बोलो खजूर की डालिया लिया हुआ उसके भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे और पुकारने लगे होसन्ना होसन्ना कमन जो से बोलो होसन्ना प्रभु यीशु की जय होन्ना हाँ हमें खजूर की डाली यीशु को स्वीकार करने होसन्ना होसन्ना मतलब प्रभु यीशु की जय हो धन्य इसराइल का राजा इसराइल का राजा धन्य जो, हो जो यीशु मसीह इसराइल का राजा था सारा जगत का राजा स्वर्ग और धरती का राजा हिसराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आते हैं होसन्ना होसन्ना धन्य इसराइल का राजा धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है जो प्रभु के नाम से आता है जब यीशु यह गधा गधे का बच्चा मिला जब को गधा का बच्चा मिला तो उस पर बैठा तो उस पर बैठा हमें यीशु मसीह गधे के बच्चे ये कई हम हबकुक में भी पढ़ नहीं जकरिया में नौ नौ पढ़ेंगे जकरिया नौ नौ जकरिया भविष्यवाणी करता है क्या करता है जकरिया नौ उसका नौ, नौ? फिलहाल जकरिया नौ नौ हे बहुत ही मग्न हो हे सियोन बहुत ही मग्न हो हे यरूशलेम जय जय कार यरूशलेम जय जय कार राजा तेरे पास आएगा वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है उद्धार पाया काली नहीं उद्धार दिए देने वाला है वो धीन है वो धीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा हमें हजारों साल पहले हबक को गवाही देता है देखो हमारी जीवन में परमेश्वर पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है जो व्यक्ति उसे जान लेगा उसके जीवन में कभी हार नहीं होगा यीशु मसीह जानता था उसके जीवन कैसे होने वाला है इधर लिखा है ये सियोन बहुत ही मग्न हे, हे जय जय कार, कर, कार क्योंकि कर, तेरा राजा तेरे पास आया, आया तेरा राजा तेरे पास आया है वह धर्मी और उद्धार पाया, पाया हुआ है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वह गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा मैं जो भविष्यवाणी प्रभु प्रभु के दासों के द्वारा करते हैं उसे याद करिए उसे बोलते रहिए वो आपके जीवन में होने वाला है ओके वापस आएंगे चौदह वाक्य और यीशु ये जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला आ, तो उस पर बैठा उस पर ये गधा को बांध के रखा था कोई नहीं जानता था यीशु को ये गधे का बच्चा मिला और उस पर बैठा जैसा लिखा है क्या लिखा है ये शियोन की बेटी पंद्रह वाक्य जैसा लिखा है हाँ। जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर हे सियोन की बेटी मत डर देख तेरा राजा गधे का बच्चा पर चढ़ा हुआ चला आता है। तेरा राजा गधे के ऊपर बैठा हुआ चला आता है हजारों साल भविष्यवाणी उन बातों को परमेश्वर हर पहलू में जो प्रभु करता था प्रभु का हर रोज का प्लान था उसी तरह आपके जीवन में परमेश्वर प्लान बनाकर रखा है जब आप प्रभु से संगति करेंगे हर रोज प्रभु की महिमा करेंगे आपके कदमों को प्रभु स्थिर खाली नहीं सफलता में लेके जाएंगे हलो लोहिया हाँ क्या लिखा है सोलह वाक्य उसके चेले उसके चेले ये बातें पहले, पहले ना समझे थे पहले ना समझे थे परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई जब यीशु की महिमा प्रकट तो हुई उनको स्मरण आया उनको स्मरण आया ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी ये बातें उसके विषय में हबकूक में लिखी हुई थी हमें प्रभु वही करता है जो उसका भविष्यवाणी हुआ हमें जो परमेश्वर के बारे में हजारों साल पहले परमेश्वर ने शैतान को बोला तेरे सर को कुचने के लिए श्री से एक वंश आएगा एक बेटा आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तेरे एडियों को डसेगा, तू उसके एडियों को दसे एडियों का धूल चाटे और वही हुआ हजारों साल पहले चार हजार साल बाद यशु मसीह धरती पर आता है शैतान की सर को कुचलता है और हमें और आपको विजय देता है हाथ उठाकर बोलो मैं विजय हूँ क्योंकि मेरा यीशु विजय दिया है कवन जोर जो जो बोलो मैं विजय हूँ क्योंकि मेरा यीशु मुझे विजय दिया हाँ उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने हाँ जो उस समय उसके साथ थे भीड़ के लोगों ने जो उसके उस समय उसके साथ थे, गवाही दी यह गवाही उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था बार बार वही गवाही दे रहा है खबरों में से मुर्दों में से वो जी जिला हमें बीच में प्रभु कई मुर्दों को जिंदा करने वाला कितने लोग बोलेगा मैं मुर्दों को जिंदा करेगा प्रभु आपके द्वारा मेरे द्वारा कई साल पहले ये दर्शन प्रभु मुझे दिया और मैं विश्वास करता हूं हमारे जीते जी अनेक मुर्दों को प्रभु जिंदा करेगा हेलो प्रभु बोला मैं जो किए इसे बढ़कर तुम लोग करेंगे कितने लोग विश्वास करेंगे मेरे द्वारा मुर्दा जी उठेंगे मसीह के द्वारा मैं विजय हूँ इसी कारण इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे इसी कारण लोग, लोग यीशु मसीह को भेंट करने, करने को आए थे क्योंकि वो लासर को मुर्दे में से जिलाया था जब आप चमत्कार करेगा कई लोग दूर-दूर से भेंट करने आएंगे हालेलुया तब आप क्या कहेंगे यीशु जिंदा है वो आपसे प्रेम करते हैं हालेलुया वो मेरे लिए चमत्कार करते हैं आपके लिए भी वो करेगा कितने लोग गवाह बनेंगे तब भीड़ हाँ। उसे भेंट करने को आए थे भेंट करने क्योंकि को क्योंकि उन्होंने सुना था क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है हमें यशु मसीह ने आश्चर्य कर्म दिखाया मुर्दों को जिलाया हलो धरती में कोई मुर्दों को जिलाया है यशु मसीह और उसके चेले भी बहुत लोग जिलाए हैं एलिजा और एलिशा भी जिलाए हैं हलो लोहिया ओके आगे तब फेरिसियो ने आपस में कहा तब फेरिसियो ने आपस में कहा सोचो तो सही सोचो तो कहीं से कुछ नहीं बन पड़ता तुम में से कुछ भी बन नहीं पड़ता देखो संसार उसके पीछे हो चला है हाँ संसार उसके पीछे हो चला है क्योंकि वो सत्य है वो चमत्कार करते हलोया हमको भी परमेश्वर जिम्मेदारी दिया है हमारा उंगली यीशु मसीह पर होना चाहिए कोई भी हमारे पास आएंगे तो हम अपना उंगली किसके ओर दिखाएंगे यीशु मसीह पर क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता है वो परमेश्वर है वो स्वर्ग धरती के मालिक है हलो यही यही चीज को कितने लोग घर में पढ़ेंगे मती में इक्कीस एक से ग्यारह यही चीज को बताया मरकोस ग्यारह एक से ग्यारह लूका उन्नीस अट्ठाईस से चालीस हम पढ़ेंगे लूका उन्नीस से अट्ठाईस लूक एक डॉक्टर है इसी आख्य को कैसा वो उसने वर्णन किया लू का उन्नीस अट्ठाईस से चालीस जल्दी से पढ़ के हम खत्म करेंगे लू का उन्नीस अट्ठाईस से चालीस उन्नीस अट्ठाईस से चाली जल्दी से पढ़ेंगे ये बातें कहकर वह यरुशलेम की ओर उनके आगे आगे चला ये बातें कहकर ये मसीह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर पहाड़ पर हाँ, नहीं, नहीं 29, 29, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेथफगे और बेथिनिया के पास पहुंचा हाँ, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा हाँ, कि सामने के गांव में जाओ स्पष्ट रूप से लुका लिखते हैं उसने दो चेलों को भेजा किस लिए भेजा वो गदा के बच्चे को लेके आने के हाँ सामने के में गांव जाओ जाओ हाँ yes. सामने के गांव में जाओ और उसमें से पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ कभी कोई सवार नहीं आता ऐसे बांध के एक कोने में छोड़ा हुआ था हलो लोहिया ये मसीह भेजता है दो चेलों को हमें और क्या कहता है कि सामने में गांव में जाओ और उधर पहुंचते ही एक गधा का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ जिस पर कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ मिलेगा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल कर लाओ उसे खोल कर लाओ दो चेलों को भेजता है बोला गधा के बच्चे को उस गांव में बांधा हुआ कोना में पड़ा हुआ कोई आज तक नहीं सवार हुआ था उसे लेके आओ क्योंकि ये भविष्यवाणी हबकुक में 9 के 9 में दिया गया था मैन हमारे जीवन में जो कुछ होता है उससे पहले प्रभु भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह आने से पहले भई ने भविष्यवाणी किया फिर मरियम के पास दूत आकर बोला है कि नहीं उसी तरह हमारे जीवन में भविष्यवाणी कितना इंपॉर्टेंट है हम उसे नजरअंदाज नहीं करते ओके के सामने के गांव में जाओ उसमें पहुंचते ही एक गधे के बच्चे जिस पर कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल कर लाओ और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को ईस्सा इसका प्रयोजन से बोलो प्रभु का प्रयोजन प्रभु जो भी करता है वो प्रभु हम जो भी करते हैं अगर प्रभु का योजना प्रभु का प्लान में करते हैं तो हम हर रोज विजय पाएंगे इसलिए हर रोज मेरे अंदर पवित्र आत्मा है मुझे पवित्र आत्मा से पूछने का पवित्र आत्मा को बोलने का है प्रभु जी आज मेरे जीवन में जो प्लान आप रखा है मैं वही करना चाहता हूँ आपके आप जीवन में विजय पाएंगे हेलो लोहिया जिस गधे को कोई नहीं जानता था कोना में बांध के रखा था उस गधे पर यीशु मसीह अब तो कोई नहीं चढ़ा यीशु मसीह चढ़ पूछो ना क्या हुआ आगे देखो या कि प्रभु को इसका प्रयोजन है प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजा गए थे गद को प्रयोजन है तो कितना अधिक हम और आप प्रभु के लिए प्रयोजन बोलो, मैं वो कैंडिडेट हूँ प्रयोग प्रभु की प्रयोजन के लिए मैन आगे जो भेजे गए थे आ, उन्होंने जाकर जैसे भेजे हुए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही पाया वैसे ही पाया जब वे गधे का बच्चा को खोल रहे थे जब वे कहे के बच्चे को खोल रहा था तो उसके मालिकों ने उसके मालिकों तो तो ने उससे पूछा, पूछा इस बच्चे को क्यों, क्यों खोलते हो इस बच्चे क्यों क्यों को क्यों खोलते उन्होंने कहा मालूम था वो पूछने वाला बहुत रहेंगे इसलिए वो बोला अगर वो पूछता तो क्या बोलने बोला यीशु मसीह ने बोला चलो लोग हाँ तो उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है प्रभु को इसका प्रयोजन है वे उसको यीशु के पास ले आए वे उस गधे के बच्चे को यीशु के पास लेके आया और उस बच्चे पर और अपने अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार गधा को कोई नहीं जानता था जिस गधा को बांध के रखा था यीशु के पास ला यीशु उस पर चढ़ा आमेन उसके आगे आ गया गधा को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया भाई आज तक तो कोई मानते नहीं कोई आते नहीं आज कपड़े फेंक फेंक के उसको आदर कर रहा समान सम्मान कर रहे तो उस गधे के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े डालकर हाँ। यीशु को उस पर सवार किया। किया, यीशु को उस पर सवार किया। जिस गधे ऊपर कोई बैठता नहीं था उस गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठता तो क्या होगा गधे का इज्जत बढ़ गया है एए, किसी को बोलो जब यीशु आ जाता है आपका इज्जत बढ़ जाता है निरादर करने वाला आपको इज्जत करने लगे होहिया प्रभु का फेवर आपका ऊपर आ गया जब प्रभु की तारीफ आपके ऊपर आएगा कौन आपका विरोध कर सकता हाँ आगे। जब वह जा रहा था जब वो जा रहा था यशु तो, मसीह उस गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछा लोग उसके सामने कपड़े बिछा रहे थे हाँ जो, बिछाते थे आप गधे के ऊपर यशु मसीह हालेलुया लो जोर से बोला मेरे साथ यीशु मसीह तो कितने अधिक अगर गधा को सलाम करे तो कितने अधिक हमें और आपको सलाम कर हम और आप यीशु मसीह को ले चलते हैं हाँ? लोग जमीन पर जब वह जा रहा था आ, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते, जाते थे और आदर देते और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की द, दलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आ, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे परमेश्वर की स्तुति करने लगे हम रोज हम लोग हर रोज प्रभु की स्तुति करने हर रोज प्रभु से चमत्कार प्रभु के लिए गवाह बनने का है हर रोज प्रभु की महिमा करें लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा हाँ धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है कौन है वो राजा यीशु मसीह स्वर्ग में शांति आकाश के मंडल में महिमा हो हेमान जोश जो बोलो स्वर्ग में शांति आकाश मंडल में महिमा हो तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे आ, हमको और आपको चुप नहीं रहने का प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हमको स्तुति करने का हमको चुप रहेगा हेलो लोहिया प्रेज द लॉर्ड हम चुप रहेंगे तो बैरी बोएंगे हम प्रभु की स्तुति करेंगे प्रभु की जीत हम पाएंगे हलो जो जोर से बोलो हर रोज हम को स्तुति करने का हमें गवाह बनने का हर दिन हमारे जीवन में चमत्कार होने का है मसीह के द्वारा मैं विजयी हूँ भगवान तो जोर से जो 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 बोलो मैं मसीह के द्वारा विजयी हूँ गधा के ऊपर यशु मसीह चढ़ा तो वो गधा को इज्जत मिला कितने अधिक हम यशु मसीह को ले चलते हैं कितने अधिक प्रभु मुझे इज्जत आदर सम्मान उन्नति बरकत देगा हमें लोगों को यीशु के पास लेके आने का कितना लोग हर रोज गवाह बनेंगे हर रोज नए व्यक्ति को यीशु मसीह का नाम बोएंगे हमारा बीज क्या है यीशु मसीह का नाम एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता उसको यीशु के बारे में बताने जब यीशु हमारे साथ है लोग की आंखों भी हम आँखों में, में।, में भी हम अनुग्रह पाएंगे हर पल यीशु की स्तुति करना हमारा जीने का मकसद एक ही है यीशु की महिमा करें कितने लोग आज से महिमा करेंगे अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते गधा भी नहीं जानते थे जब गधा नहीं जानते थे हमें पर यीशु मसीह का नजर गधा पर था और उसे बुलाया और यीशु मसीह जब उस गधे पर बैठा गधे को इतना इज्जत मिला हालेलुया अगर एक गधा को इतना इज्जत मिलता है कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु इज्जत देना चाहता है आदर सम्मान प्रमोशन आशीष चमत्कार देना चाहते क्या हम उसके लिए गवाह क्यों यीशु आपसे प्रेम करते चमत्कारी प्रार्थना बोली हे स्वर्ग पिता, पिता मैं आपके चरणों में आता हूँ जाने अन्य में जाने, जाने मुझसे जो भी पाप हुआ जो भी मुझे तू क्षमा कर मुझे तू क्षमा कर तू मेरे लिए आया मेरे लिए आया मारा गया मारा गया दफनाया गया जी उठा जी आज मेरे लिए आज मेरा आज जिंदा मेरे दिल में आज मेरे दिल में आज से आज से यीशु मेरा प्रभु है मे वहBar, मेरा मैं यीशु के लिए जीऊं जी। आज से मेरा जिंदगी बदल गया पवित्र आत्मा धनिवा पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूं यीशु के नाम से मांग सुनाओ ग्रहण कर सुनो ग्रहण और सबने कहा